हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यहाँ पे सैमसंग का सेट है जो कि S21 FE है। और अभी जो ये जो फ़ोन का प्राइस अभी मार्केट में चल रहा है वो 27,000 आसपास फ्लिपकार्ट पे चल रहा है। और अभी सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो 30,000 के रेंज में जो फ़ोन है यही है। और अगर मैं इसका सेकेंड हैंड प्राइस का बात करूँ तो आप लोग को 20,000 आसपास में मिल जाएगा मार्केट में। 19-20 इसका हार्डली प्राइस पड़ता है सेकेंड हैंड में। और इस फ़ोन का जो कैमरा है उसी का अभी मार्केट में कुछ ज़्यादा ही मतलब चर्चा हमें चल रहा है कि नहीं, इस फ़ोन का जो कैमरा है बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा इसमें FPS भी, आपका जो FPS का अगर मैं बात करूँ तो ये 60 FPS पे सपोर्ट करता है। और मतलब ठीक ठाक फ़ोन है। जैसा कि इसका कैमरा टेस्टिंग का हम लोग वीडियो बोले थे कि बनाएंगे, तो इसका आज कैमरा टेस्टिंग का वीडियो हम लोग लेकर आए, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स, सैमसंग S21 FE में कुछ ऐसा आपको कैमरा का इंटरफेस देखने को मिलेगा जो कि यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहला मोड यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट मोड मिल जाएगा। पोर्ट्रेट मोड में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3x जो इसका 3x एक लेंस है जो कि एक 3x लेंस इसमें दिया हुआ है, इसलिए 3x का एक अलग से ऑप्शन दिया हुआ है और एक 1x का दिया हुआ है। तो यहाँ दो पोर्ट्रेट मोड में आप लोग को ऑप्शन मिल जाएगा, यानी पोर्ट्रेट में भी इसका जूमिंग दिया हुआ है। और मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए हल्का जूम हो गया 3x में और 1x यहाँ पे दिया है। और यहाँ पे आपको ऊपर रेशियो मिल जाएगा, रेशियो जो मिलता है नॉर्मल जो सभी फ़ोन में रेशियो 3:4, 9:7 और 1:1, और एक फुल स्क्रीन वाला मिल जाता है। और यहाँ पे फ्लैश भी ऑन कर सकते हैं। और ये आप यहाँ देख सकते हैं कि ये टाइमिंग वाला दिया हुआ है, मतलब टाइमिंग लगा सकते हैं। और यहाँ पे कॉर्नर में कुछ फिल्टर्स आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और स्किन के लिए भी यहाँ देख रहे हैं, स्किन का स्मूथनेस दिया हुआ है, स्किन मतलब जो होता है स्किन किसी का स्मूथ नहीं होता उसके लिए। तो फ्रेंड्स, पोर्ट्रेट मोड आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं बात करूँ इसका फ़ोटो का, तो फोटो में आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मैं यहाँ पे फोटो में दिखा देता हूँ। एक यहाँ पे 5x का ऑप्शन मिल जाता है जो कि इसका ये हो जाता है, ये 0.5x में आप लोग इसका देख सकते हैं कि यहाँ पे वाइड एंगल मिल रहा है, वाइड एंगल कुछ इस तरीके से दिख रही है। फोटो की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 0.5x यहाँ पे आपको वाइड एंगल मिल जाता है, एक 1x मिल जाता है, 1x इसका देख सकते हैं। और 3x का इसका एक लेंस है जो कि 3x वाला ये रहा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि तीन लेंस दिया हुआ है, मतलब तीनों में स्विच करके मैं आप लोग को दिखाया। और इसका अगर मैं जूमिंग का बात करूँ तो यहाँ पे आप इसको जूम करके मैं दिखाता हूँ, मेरे आगे यहाँ पे एक प्लेन है, देख रहे हैं प्लेन जा रहा है, इस प्लेन को मैं आप लोग को दिखाता हूँ जूम करके, मतलब कितना बगल में लगता है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। यहाँ पे प्लेन चला गया लेकिन कोई नहीं, मैं आपको घर दिखा देता हूँ दूर से जो कि ये रहा है यहाँ पे टावर। टावर की अगर मैं बात करूँ तो देखिए टावर का एकदम ऊपर वाला यहाँ पे जो ऊपर का टॉप व्यू है वो यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, मतलब 30x जूम यहाँ पे दिया हुआ है। तो फोटो में आप लोग को कोई कमी देखने को नहीं मिलने वाला, चाहे वो वाइड हो आपका या फिर 30x हो या फिर 3x हो, किसी पे भी आपको फोटो एकदम शार्प ही मिलेगा। अब यहाँ पे फोटो में आपका यहाँ पे स्विच करने का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ से आप स्विच भी कर सकते हैं जो कि ये रहा मेरा यहाँ पे खुद का फेस दिख रहा है। फ्रंट में यहाँ पे आप लोग को दो ऑप्शन मिल जाएगा, एक यहाँ पे आपको मिल जाएगा 10 मेगापिक्सल का और दूसरा यहाँ पे आपको मिल जाएगा 32 मेगापिक्सल का। जो आपका 10 मेगापिक्सल का है उसमें आप लोग यहाँ पे थोड़ा वाइड कर सकते हैं एरिया को, और 32 में आप लोग वाइड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे रेशियो यहाँ पे ये फुल किया हुआ है, मैं इसका रेशियो यहाँ पे 4:3 करता हूँ, तो इससे आप लोग को थोड़ा सा वाइड रेंज मिल जाता है फोटो टो क्लिक करने के लिए। और ज़्यादा वाइड करना हो तो आप यहाँ पे 10 मेगापिक्सल पे क्लिक कर सकते हैं पिक्चर। फिर मैं आपको वापस थोड़ा स्विच करके दिखाऊँ तो यहाँ पे कॉर्नर में आप लोग को फिल्टर मिल जाता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं आप लोग आपका फ़ोटो में जो आपको बढ़िया लगे। ये था थोड़ा सा जो फोटोज़ को लेके था डिटेल। और वही सेम चीज़ फ्लैश जो ये होता है हमारा यूज़ कर सकते हैं इसमें। लाइव पिक्चर अगर क्लिक करना हो तो मोशन फोटो जिसको यहाँ पे दिया हुआ है लाइव पिक्चर करके, वो भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं जो कि ये रहा लाइव पिक्चर, कुछ इस तरीके से काम करेगा इसका व्यू मोशन पिक्चर ये रहा। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसका वीडियो का, तो वीडियो पे स्विच करें तो वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉर्नर में UHD लिखा हुआ है, Ultra HD जिसको कहते हैं, Ultra HD में आप यहाँ देख सकते हैं कि आप लोग को मिल रहा है HD है, Full HD और Ultra HD की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आप लोग जो मिला है उसमें देख सकते हैं कि अल्ट्रा में यहाँ पे 60 FPS यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब जो हमारा वीडियो होगा एकदम स्मूथ रिकॉर्ड होगा। दूसरा यहाँ पे Full HD में भी आप लोग चीज़ देखने को मिल जाएगा और 30 FPS सिर्फ मिल रहा है, Full HD और Ultra HD में 60 FPS और 30 FPS दोनों मिल रहा है। अगर वाइड की मैं बात करूँ, यानी वाइड एंगल जो हम लोग वीडियो बनाते हैं, ये मेरा वाइड हो गया, वाइड में यहाँ पे आपको Full HD में 60 FPS पे स्विच करते ही आप लोग देख सकते हैं कि वाइड हमारा हट जा रहा है, मतलब वाइड में 60 FPS नहीं मिला, चाहे वो अल्ट्रा में रिकॉर्ड करें या फुल में, आपको वाइड में यहाँ पे 60 FPS देखने को नहीं मिलेगा।
ये था यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा हम स्विच करते हैं 30 FPS, और थोड़ा सा यहाँ कॉर्नर में सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिल जाएगा वीडियो स्टेबलाइजेशन, इसको अगर मैं ऑफ़ कर दूंगा तो जो मेरा वीडियो होगा वो शेक करेगा। अभी अगर मैं चलूंगा तो मेरा वीडियो शेक करेगा, हालांकि OIS कैमरा में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मेरा वीडियो थोड़ा बहुत शेक करेगा। अगर शेक आना रहता है तो हम यहाँ पे वीडियो स्टेबलाइजेशन ऑन कर देते हैं, जिससे मेरा जो फ़ोन होता है और वीडियो है वो दोनों बिल्कुल भी शेक नहीं करेगा। अभी फ़िलहाल आपको दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं वीडियो ऑन करूँगा तो मेरा ये शेक नहीं करेगा। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन जो कि इस पर मैं क्लिक किया, जिसको सुपर स्टडी कहते हैं। सुपर स्टडी में ऑन करने के बाद मतलब कितना भी मैं भागूंगा, कूदूंगा, दौड़ूंगा तो जो मेरा वीडियो होगा वो शेक नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ मोर का ऑप्शन है। मोर में आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह का जो मोड्स मिला हुआ है वो देखने को है। जैसे कि यहाँ पे प्रो मोड है, आपका यहाँ पे वीडियो मोड है, सिंगल टेक है, नाइट है। तो नाइट में अगर आप पिक्चर उक्चर क्लिक करना चाहते हैं तो नाइट मोड ऑन करके क्लिक कर सकते हैं। पैरानोमा, पैरानोमा में अगर आप चाहें तो लंबा अगर किसी जगह का पिक्चर लेना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से लंबा पिक्चर आप क्लिक कर सकते हैं, जो कि देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में। स्टॉप कर दूंगा तो ये बहुत अच्छा पिक्चर आ जाएगा हमारे पास, लंबा पिक्चर, जो कि ये रहा, काफ़ी ज़्यादा फ्रेम ये कैप्चर करता है पैरानोमा में। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पिक्चर मोर में और जो ऑप्शन हम लोग को मिलता है प्रो वीडियो में, प्रो में मतलब सब कुछ कैमरा की तरह हम लोग सब कुछ खुद से एडजस्ट करके यहाँ पे हम लोग वीडियो बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे प्रो देखने को मिलता है। प्रो में हमारा क्या होता है कि प्रो में हम लोग प्रो पिक्चर क्लिक कर सकते हैं, जो हम लोग को पिक्चर क्लिक करना होता है, चाहे वो अल्ट्रा वाइड में हो या फिर नॉर्मल 1x में हो, तो प्रो वे में क्लिक कर सकते हैं पूरा हम खुद से एडजस्ट करके, ब्राइटनेस हो आपका चाहे जो भी हो। सुपर स्लो मोशन इसमें देखने को मिल जाता है और एक स्लो मोशन। तो सुपर स्लो मोशन में काफ़ी ज़्यादा वीडियो हमारा स्लो रहता है। मैं अगर एक वीडियो आप लोग को दिखाता हूँ बनाकर यहाँ पे, तो ये मेरा सुपर स्लो वीडियो है, इसको स्टॉप करते हैं अब। तो ये हमारा सुपर स्लो मोशन बन गया वीडियो, जो कि कुछ इतना स्लो, इतना ज़्यादा स्लो है कि आप लोग को दिख भी नहीं रहा होगा मूव करते हुए, लेकिन ये हमारा वीडियो प्ले था। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसमें जो हम लोग को देखने को मिलता है मोर में, अगर मैं जाता हूँ फिर से, तो एक फूड है। फूड में होता क्या है कि हम लोग कोई अगर ऐसा फूड वूड का पिक्चर क्लिक करें तो उसमें हमारा लाइट वाइट जो होता है, कलर होता है, काफ़ी अच्छा आता है। पोर्ट्रेट वीडियो इसमें मिल जाता है हम लोग को, काफ़ी अच्छा यहाँ पे है पोर्ट्रेट वीडियो। आजकल क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग जो रील्स चल रहा है ना, तो जो लोग आजकल हो रहा है कि आईफोन से लोग वीडियो बना रहे हैं बैकग्राउंड ब्लर करके कैमरा की तरह अगर वीडियो चाहते हैं, तो यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें कि हमारा जो कैमरा का जो बैकग्राउंड होता है पर्सन, यहाँ पे जो पर्सन का जो बैकग्राउंड होता है वो ब्लर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे जो पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड होगा वो पूरा पूरा ब्लर होगा। ये मोड ऑन था जिसके कारण ये थोड़ा सा मेरा हाथ को ये फॉलो कर लिया और वीडियो ऑन हो गया। तो ऐसे पूरा बैकग्राउंड ये देख सकते हैं, ये मोड ऑन था जिसके कारण ये थोड़ा सा मेरा हाथ को ये फॉलो कर लिया और वीडियो ऑन हो गया। तो ऐसे पूरा बैकग्राउंड ये देख सकते हैं ब्लर होता है। सेम चीज़ हमारा बैक कैमरा भी हम लोग देखने को मिलेगा। तो अगर मैं बात करूँ प्रो में तो देख सकते हैं कि थोड़ा सा बैक कैमरा में भी यहाँ पे होगा। और प्रो से अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट मोड की, तो यहाँ पे हाइपरलैप्स है। हाइपरलैप्स आप लोग को पता होगा कि जो उस टाइप के वीडियोज़ होते हैं जो एक ही जगह पे कैमरा रख के हम लोग वीडियो बनाते हैं और जो मूवमेंट्स होता है वो हमारा कैप्चर होता है। तो हाइपरलैप्स मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग है मेरा, लेकिन कोई नहीं, हम दिखाएंगे दूसरे वीडियो में। डुअल रिकॉर्डिंग मोड यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। इसमें फ्रंट और बैक दोनों कैमरा एक साथ काम करता है, जो कि देख सकते हैं, जो कि ब्लॉगर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो आजकल जो टाइम चल रहा है ब्लॉगिंग का, तो डुअल जो यहाँ पे कैमरा मोड चाहिए होता है सबको कि हाँ हमारा भी कैमरा दोनों एक साथ काम करे, तो जो कि मेरा यहाँ काम कर रहा है। और अगर जो कैमरा सेटिंग की अगर बात कीजिएगा तो कैमरा सेटिंग पे मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, जो कि ये रहा हमारा कैमरा सेटिंग, यहाँ पे एक अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिलहाल इतना इस फ़ोन में देखने को मिला। सबसे बेस्ट मेरे को जो लगा इसका 30x जूम लगा। यहाँ से मैं अगर चाहूँ तो किसी भी घर का एकदम दूर पिक्चर क्लिक कर सकता हूँ, और भी कैमरा ऐसा नहीं है कि हाँ फट जा रहा है, ऐसा नहीं, एकदम बहुत शार्प पिक्चर हम लोग को देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ से एकदम दूर पिक्चर ही क्लिक करता हूँ 30x पे। और ये घर हमसे कितना दूर है, काफ़ी ज़्यादा दूर है, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। वो घर वो रहा वहाँ पे, और पिक्चर हमारी एकदम शार्प आई है। ये हमारी पिक्चर जो कि ये रही।